मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में आपको 125 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्न नंबर एक देखते हैं। वर्ष 1955 ईस्वी में एनएस बेंद्रे को उनके किस चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कांटे। तो कांटे चित्र के लिए ललित कला अकादमी नई दिल्ली से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1955 में एनएस बेंद्रे को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दो। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं? तो कौन से एक प्रसिद्ध शिल्पकार हैं? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनीश कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीन। ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? चार विकल्प हैं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आलका जी। तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में इब्राहिम आलका जी प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर चार देखते हैं। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की? तो आपको बताना है कि सुदर्शन सैंड आर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, पुरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच। किस मुगल शासक के समय पुस्तक चित्रों का निर्माण हुआ था? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अकबर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्थित नीलामी घर कौन सा है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सेफ्रान और ओशियान। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सात। एक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो बताइएगा, एक्वेटेंट श्रृंखला नेचुरल हिस्ट्री ऑफ बफो किसने बनाई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, पिकासो ने। अगला प्रश्न है, कागज के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, ए बी सी। तो कागज के आकार को ए बी सी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। गोवर्धन किस मुगल शासक का चित्रकार था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, एक ही नाम के दो चित्रकार जो मुगल तथा राजस्थानी शैली के थे? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मनोहर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एकोलिप्स नामक वुड कट श्रृंखला किसकी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर का। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी कला की सर्वश्रेष्ठ चित्रावली कौन सी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा गीत गोविंद। प्रश्न नंबर 13। एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मंदिर हैं? तो यहाँ पर एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कुल 12 गुफाएं हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। बाघ चित्रों की शैली किस शैली के निकट है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, बौद्ध शैली के निकट है। अगला प्रश्न है, चित्रकार मुकुल डे ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियाँ कब बनाई? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के किस गुफा मंदिर को छोटा कैलाश कहा जाता है? तो गुफा संख्या 29
को छोटा कैलाश कहा जाता है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, एलिफेंटा का महत्व किस कारण है? तो यहां सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, त्रिमूर्ति के लिए। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो पंचमढ़ी के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय है जी आर हंटर को। अगला प्रश्न देखते हैं, अमरावती स्तूप किस पत्थर से निर्मित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, संगमरमर पत्थर से। प्रश्न नंबर 20, भरहुत के अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। अगला प्रश्न है, चित्रकार धीमान तथा बितपाल किस शैली के कलाकार थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पाल शैली की। अगला प्रश्न है, अभ्रंश शैली भारत में किस कालक्रम तक विकसित रही? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शैली को कछवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, जयपुर शैली को। अगला प्रश्न है, कौन सा कलाकार अलवर शैली में हाथी दांत की पट्टियों पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, डालूराम। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का साधन क्या है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, अकीक पत्थर। तो राजस्थानी शैली के चित्रों पर चमक लाने का जो साधन है, अकीक पत्थर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से एक केंद्र राजस्थानी शैली का नहीं है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बसोहली शैली। ये राजस्थानी शैली से संबंध नहीं रखता। प्रश्न नंबर 27, सावंत सिंह ने रसिक रत्नावली की रचना किस सन में की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1727 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मतिराम किस शैली का दरबारी कवि था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बोधी शैली। अगला प्रश्न है, ज्योतिष रत्नाकर तथा राय सिंह महोत्सव ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। प्रश्न नंबर 30, हंचबैक ऑफ द फिशबोन चित्र अवीन्द्रनाथ टैगोर की किस चित्र श्रृंखला में है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अरेबियन नाइट्स। अगला प्रश्न है, जहगीर के दरबार का वह चित्रकार जिसने बड़े बड़े सुंदर पट चित्र किए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, शालिवाहन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, किन चित्र विषयों को बोधी शैली की विशिष्टता माना जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पांडुलिपि कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, दास्ताने हमीर हमजा। प्रश्न नंबर 34, चित्रकार दसवंत किस जाति का था? तो ऑप्शन सी सही होगा, कहार। प्रश्न नंबर 35, बूंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? सॉरी, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म चलाने वाला मुगल शासक कौन था?
यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है, किसे बूढ़े शासक को किस बूढ़े शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शाहजहां को। अगला प्रश्न है, दक्कनी शैली का श्रेष्ठ संग्रहालय कहाँ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी हैदराबाद म्यूजियम हैदराबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस केंद्र की पहचान कीजिए जो दक्कनी शैली का नहीं है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मालवा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40, गढ़वाल शैली का एकमात्र चित्रकार कवि और चित्र संग्रहकर्ता कौन था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मोलाराम। प्रश्न नंबर 41, कांगड़ा शैली के चित्र अधिकतर किस कागज पर बनाए गए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी सियालकोटी। अगला प्रश्न है, रंग महल के भित्त चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी चंबा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में कौन कांगड़ा से संबंधित नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी मूलचंद, ये कांगड़ा से संबंधित नहीं है। प्रश्न नंबर 44, महाराजा संसार चंद्र ने किस शैली का पोषण किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी कांगड़ा शैली का पोषण महाराजा संसार चंद ने किया था। प्रश्न नंबर 45 देखते हैं, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र कौन सा है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी राजा केशव सेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं, रूपमती का महल कहाँ स्थित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मालवा में। प्रश्न नंबर 47, के जी सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्व पल्ली किस माध्यम में चित्रित किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी एक्रेलिक। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला के इतिहास में सर्वोच्च स्थान प्राप्त केंद्र कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही होगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? सही विकल्प होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, एडवर्ड लुंटियस और एडवर्ड वेकर। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी मेगास्थेनीज। प्रश्न नंबर 54, विष्णु का अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कंबोडिया। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंध पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राजगिरी या गिरिव्रज। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है?
तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए भरतनाट्यम से। अगला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61, इकेबाना जापानी कला क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुष्प सज्जा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए सितार। सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगला देखते हैं, माइकल जैक्सन किससे संबंधित हैं? तो माइकल जैक्सन जो संबंधित हैं पॉप संगीत से। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में विश्व प्रसिद्ध बैलगाड़ी का चित्रण किसने किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अबुल हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, शरण रानी को जिस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वह क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी चित्रकला में इनको ख्याति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भरहुत में अंकित नहीं मिलता है? तो भरहुत स्तूप में क्या अंकित नहीं मिलता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी चरणोपाधि का ये अंकित नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, ओल्ड टेस्टामेंट किस धार्मिक संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी यहूदी धर्म। प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, यूनान के प्रथम ओलंपिक खेलों का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी 776 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में जन्मी अंजलि इला मेनन एक समकालीन चित्रकार हैं, इसके साथ साथ उनकी प्रसिद्धि किस रूप में है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी भित्त चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी फिरदौस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, वर्णिनी एक क्या है? तो वर्णिनी जो है वो बरोक शिल्पकार हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास का पीड़िता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का पीड़िता कहा जाता है कर्नल टाई को। यात्रा किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी अंजलि इला मेनन का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र प्रलय किस कलाकार ने बनाया? तो प्रसिद्ध चित्र प्रलय जो है उसको बनाया था पाउलो उच्चेलो। अगला प्रश्न है, मार्स और वीनस प्राइम बेरा तथा वीनस का जन्म किस कलाकार की कलाकृति है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी बेतिचिल्ली की। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था विंसी फ्लोरेंस। अगला प्रश्न है, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किसने किया था? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी छितिन नाज मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों का पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सभी पर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 79, रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? तो सही विकल्प होगा प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 80, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जटावर्मन सुंदर ने। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, बसहोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पंजाब। प्रश्न नंबर 82, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ड कौन से हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी लाल और हरा। प्रश्न नंबर 83, बैगनी रंग विरोधी रंग किसका है? तो बैगनी रंग जो विरोधी है वो पीले रंग का है, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 84,
निम्न में से सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी 9B। प्रश्न नंबर 85। छेदंत जातक की कथा का वर्णन किसमें है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी गुफा संख्या 10 में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अंग्रेज अधिकारियों का। अगला प्रश्न है, सिंगरिया गुफा कहाँ स्थित है? तो सही विकल्प होगा श्रीलंका में। प्रश्न नंबर 88। सभी किसे कहते हैं? तो सभी प्रोटेट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89। जसु शिल्प कांस्य महिला जिनका जनवरी 2013 में अहमदाबाद में निधन हो गया, जानी जाती है किस रूप में? तो यहाँ सही विकल्प होगा मूर्तिकार के रूप में। प्रश्न नंबर 90। ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ विकल्प जो सही होगा ऑप्शन डी तख्ते ताउस पर शाहजहां बाबरनामा में नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल कला का सबसे प्रभाव दक्षिण भारत में किस शैली पर पड़ा? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए बीजापुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 93। शिव का नरसंहार चित्र किसका है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी दिलेक्ट्रा का। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। जहगीरकालीन चित्रों की विशेषता क्या है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए स्फुट चित्र। प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। प्रसिद्ध भू चित्रकार टर्नर किस वाद से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध भू दृश्य चित्रकार टर्नर जो है रोमांसवाद से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। टर्नर ने अपने दृश्य चित्र किस माध्यम में बनाए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जल रंग में। अगला प्रश्न है, अनाज का खेत किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? सही विकल्प होगा ऑप्शन डी कांस्टेबल का। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। अधिकांश मुगल चित्र हैं, तो अधिकांश मुगल चित्र जो हैं वो लघु चित्र की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार किसे माना जाता है? तो ऑप्शन डी सही होगा अब्दुल समद को। अगला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय चित्रकला का आरंभ कब हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए अकबर के काल में। अगला प्रश्न है, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने। प्रश्न 102। शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार कौन था? तो शाहजहां के दरबार का प्रधान चित्रकार जो था वो था फकीर उल्लाह खां। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 103। विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी 1946-47 ईस्वी के मध्य की मेडिवियल सेंट्स भित्ति चित्र किस तकनीक में बनाया? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रेस्को बुइनो तकनीक में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार गोगी सरोज पाल किस प्रदेश की रहने वाली हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित में से एक पॉप कलाकार अमेरिकन नहीं है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी रिचर्ड हैमिल्टन। प्रश्न नंबर 106। किस चित्रकार के चित्रों का आधा ग्रामीण कला तथा जीवन है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी के एस कुलकर्णी।
अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राकृतिक विषयों से संबंधित चित्रों को किस कलाकार ने बनाया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, के एच आर ने। अगला प्रश्न है, किस ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र रचनाएं की? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कलकत्ता ग्रुप के चित्रकारों ने प्रभाववादी शैली के आधार पर चित्र बनाए थे। प्रश्न नंबर 109, प्रसिद्ध रियलिटी टीवी प्रोग्राम नच बलिए 8 के विजेता कौन है? इन चारों में से आपको बताना है नच बलिए के विजेता कौन है। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, दिव्यांका त्रिपाठी व विवेक दहिया। अगला प्रश्न है, घनवाद की प्रथम कोलाज कृति कौन सी है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बेंत की कुर्सी पर वस्तु समूह। अगला प्रश्न है, घनवाद में नीला काल माना जाता है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1901 से 1904 ईस्वी तक का जो काल है नीला काल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 112, पांचवी मुहर का उद्घाटन किसका चित्र है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अग्रेको। प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, एम एफ हुसैन का करबला शीर्षक चित्र किस माध्यम में बनाया गया? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, एक्रोलिक रंग में। प्रश्न नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नवशास्त्रीयवादी नहीं था? तो दलिक्रा जो थे वो नवशास्त्रीयवादी नहीं थे। प्रश्न नंबर 115, हॉलैंड में ब्रोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रा ने। अगला प्रश्न है, रोकोको शैली का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। अगला प्रश्न देखते हैं, गोया द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृता का क्या नाम है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, माजा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 118, लव जाब जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? लव्ज ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, कैरावेज्जियो की। प्रश्न नंबर 119, तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो तैयब मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है वो काली है। अगला देखते हैं, राम कुमार प्रसिद्ध हैं, तो राम कुमार किस लिए प्रसिद्ध हैं? प्रकृति चित्रण के लिए, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रुप 1890 कहाँ गठित हुआ? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, बड़ोदरा में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? तो राजा रवि वर्मा के चित्रों का जो विषय था वो पौराणिक था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, दृश्य कला में सेंटेंसिल तकनीक को यह भी कहा जाता है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, पोषा है। अगला प्रश्न है, दरबारी इतिहास की कला क्या थी? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, मुगल कला। अगला प्रश्न है, लड़ाई के चित्र किसके समय बने? तो लड़ाई के चित्र बने थे अकबर के समय में, ऑप्शन ए सही होगा। और आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सभी लोग लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।